वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन दी चैनल share.com। तो गाइज हम फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। गाइज हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा जो आज बिक वाली हुई और कंपनी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जो है नीचे भी गिरे हैं। और उसका जो मुख्य कारण रहा था गाइज वो रिलायंस के साथ में इनका जो डील कैंसिल हुआ उसके बाद, तो कंपनी के शेयर्स में जैसा कि एक तरीके से गिरावट के ही संकेत हुए थे। और कंपनी के स्टॉक जो 74-75 रुपये के आसपास थे उस टाइम पर, वो आज जो 3 या 4 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक टाइम तो ये आ गया था कि 1 या 2 रुपए पे पहुंच गया था फ्यूचर रिटेल। और इसी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा जो है बिकवाली हुई थी, साथ में इनके काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन और इन सब में भी काफ़ी गिरावट हुई। तो इन सभी को लेकर गाइज मैं कुछ अपडेट्स लेकर आता हूँ डेली आपके लिए, ताकि आप जो इन वीडियोज़ को देख पाएँ और साथ ही आपको पता चले कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर अगर आपने कर रखा है तो क्या आपको डिसीजन लेना है। सबसे पहले फ्यूचर रिटेल का जो है अभी डिजिटल डेटा बेस जो अभी तैयार नहीं है इंसॉल्वेंसी के लिए, इस वजह से वेरिफिकेशन का नहीं हो पा रहा है। यह सर इनके कंप्लाइंस ऑफिसर का मानना है कि इस वजह से कंपनी की जो प्रोसीडिंग होती है इंसॉल्वेंसी के लिए वो जो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाती है। इस वजह से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है और कुछ कंपनी को इससे जो है प्रॉफिट भी होता है। क्योंकि अगर कंपनी के जो फ्यूचर रिटेल है, अगर ये जो बिक वाली होगी तो जो भी कंपनी खरीदेगी उनको सस्ते दामों में एक अच्छा ब्रांड मिलता है और वो इस इनके एसेट्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो फ्यूचर रिटेल के तो गाइस ये नुकसान होगा, लेकिन अदर कंपनी जो इसको बाय करेगी उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि अगर आप उन लोगों में से जिनको स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा तो करीज रहते हैं, तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल share.com को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको उसी तरीके से रेगुलरली अपडेट मिलता रहे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ NCLT में केस जो फाइल हो चुका है फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के लिए। बिसाइड्स द जो केस फाइल किया गया था DHL ई कॉमर्स और फ्यूचर सप्लाई चेन FSCSL जो कंज्यूमर है, उनके जो टू ऑपरेटर क्रेडिटर हैं गाइस उनके द्वारा किया गया है। NCLT में जो फ्राइडे को एडमिट किया गया था इनके खिलाफ केस, और ये जो है बॉम्बे में हुआ था। वहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के जो वेंडर्स हैं गाइस वो क्लियरेंस के लिए 500 करोड़ इन्वेंट्री का डिमांड कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मेंबर्स हैं फ्यूचर ग्रुप वेंडर यूनाइटेड के, उनका जो है मानना है कि रिलायंस रिटेल ने जब रिफ्यूज कर दिया था इनके लिफ्ट गारमेंट्स का, तो इनका जो 500 करोड़ का बकाया राशि था पिछले 8 मंथ का, वो जो अभी तक पे नहीं हुआ है। साथ ही स्टेज जो सेट हो चुकी है एग्रेसिव बिडिंग जो है चल रही है फ्यूचर रिटेल के लिए, और इसमें जो 13 बिडर्स ने आज पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से कि 24,021,555 का जो है बैंकर्स के द्वारा, जो एक्सपर्ट के द्वारा रखा गया था एस्टिमेशन, जहां पर 24,000 करोड़ के आसपास तो जो है रिलायंस ने ऑफर ही कर दिया था, लेकिन वो जो है कैंसिल हो गया था। अब देखने ये कि कौन सी कंपनी की, क्योंकि रिलायंस छोड़ानी दोनों ही इसमें अच्छे तरीके से बाइंग के लिए जा रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।